हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग के गांव के बगल में एकदम शिव, मतलब वहां पर एक शिव मंदिर है जो बहुत ही पुराना मंदिर है, जहां भगवान शिव का एकदम वासना है। वहां पर हम लोग का मिट्ठू का मन्नत था, जो मिट्ठू को मुंडन करने के लिए हम लोग लेके गए हैं। और वहां पर हम लोग बकरा लेके गए थे। बकरा को जब तक नहीं चरता है तब तक उसको बलि नहीं किया जाता है। चर जाएगा तो बहुत अच्छा बात है, तब उसको जाके बलि किया जाता है। का बकरा तो पूरा एकदम चर रहा है, आराम से खा रहा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब बलि करने के लिए कोई ही दिक्कत नहीं, आराम से बलि होगा। हम लोग गए थे, मेरा मम्मी गई थी, मेरा सासू माँ गई थी, मेरा ससुर जी गए थे, मेरा मैडम थे, मिठू थे, हम थे, और मेरा एक चाचा का लड़का गया था, उन्हीं का ऑटो में गए थे। बहुत ही अच्छा है, आप लोग कभी घूमने जाइए। वहाँ पर दिलबड़ा मंदिर, जहाँ भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ हम लोग के प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी गए थे पूजा करने के लिए, वो भी पराए जाते हैं। बहुत ही फेमस है, वहाँ पर सबको आते जाते रहते हैं, और वहाँ पर पूजा करने के लिए जाता जाना ही चाहिए। अब हम लोग का देखिए, मिठू का मुंडन स्टार्ट हो गया। मिठू का मुंडन बाल में पानी डाला जा रहा है, उसको अच्छी तरह से भिंगा ले रहे हैं हमारे ठाकुर साहब नाई जी। उसको अच्छी तरह से भिंगा के अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए, उसके बाद उसमें अस्तूरा लगा के उसको अब छीलेंगे। देखिए हम लोग का मिठू एकदम पूरा आराम से है, मिठू पूरा एकदम नीचे मुंडी करके आराम से हम लोग का मिठू। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो रो रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे रोते रहते थे, लेकिन हम लोग का मिठू बहुत अच्छा मिठू है जो नहीं रोते। देखिए हम लोग का स्टार्ट हो गया, मिठू का मुंडी का बाल एकदम, देखिए मेरा माँ एकदम आंचल में ले रही है, 3 बार लेगी मेरी माँ, और इसको एकदम अच्छी तरह से एकदम भसान कर देगी ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। मन्नत रहता है इसलिए उसको लिया जाता है। अब स्टार्ट हो गया हम लोग का मिठू का, देखिए एकदम अस्तरा लगा के चालू एकदम स्टार्ट हो गया। मिठू लेकिन बिल्कुल नहीं रोई थी, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बट्टी बच्ची है हम लोग का मिठू, गुड बच्ची है। मंदिर में मन्नत मांगने से पूर्ण होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होता है सावन महीना में और चैत मास में, जहाँ भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान शिव का पूजा किया जाता है, भगवान शिव का आराधना किया जाता है। और मैं अब वहाँ का लोकेशन बता रहा हूँ आपका, आप लोग का दिलवाड़ा मंदिर का लोकेशन रांची पुरलिया रोड जान रहे हैं तो मुरी से बिल्कुल एकदम बगल में है। हम लोग का नेता सुदेश महतो का गांव है, उसी का थोड़ा सा आगे दिलबड़ा मंदिर है। दिलबड़ा मंदिर बहुत ही फेमस है, बहुत पहले से बहुत अच्छी तरह से वहाँ पूजा पाठ होता है। वहाँ पर कोई भी इस सामान का ज़्यादा रेट उट नहीं लेता है, वहाँ लूट नहीं है। दूसरे जगह कहीं भी जाइए दूसरा जगह लूट रहता है, बहुत ही जगह बहुत जगह लूट रहता है, जहाँ पर मन्नत के नाम पे बहुत जगह ये हुए चीज़ में ज़्यादा पैसा लेते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा लूट नहीं है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप लोग कभी भी बिल्कुल ही देखने के लिए जाइए, वहाँ मन्नत सारा पूर्ण हो जाता है। मंदिर बिल्कुल ही स्वर्णरेखा नदी के किनारे प्रसिद्ध है, वहाँ पर एगो बुचा शिव भगवान बोल के बहुत ही फेमस है, जो बोला जाता है कि बहुत पहले आदमी लोग चोरी करने जाता था तो चोरी करके जो नहीं सामान मिलता था वहाँ मन्नत करके जाता था, अगर यदि नहीं मिला तो उसी में एक बार दिन नहीं मिला चोर लोग को, तो आके बुचा वो ब्राह्मण को कुल्हाड़ी से मार दिया था, इसलिए उसको आधा ही हो गया, इसलिए उसको बुचा ठाकुर बोला जाता है। देखिए अभी मिठू का मन्नत ही हो रहा है, जिसमें मेरा मैडम बैठी हुई है, मेरा ससुर जी बैठे हुए हैं, नाई अपना उस्तरा चला रहा है आराम से। धीरे धीरे हम लोग बोल दिए कि बहुत अच्छा बच्ची है, मिठू बच्ची है जो नहीं रोती है, आप लोग उसको धीरे धीरे बिल्कुल ही धीरे धीरे प्यार से कीजिएगा। जब खस बकरा को लेके जाया जाता है तो स्वर्णरेखा नदी में उसको अच्छी तरह से भिंगा के अच्छी तरह से नहला के उसके बाद वहाँ पर ठाकुर के पास ले जाया जाता है, वो अपना चरा देते हैं, उसको देखिए सिंदूर लगा देते हैं, चर गया है हम लोग का बकरा, देखिए बिल्कुल ही दिख रहा है, ये अपना अपना अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गया है। बहुत जगह बकरा बलि होने के बाद उसको जैसे बोला जाता है कि वहीं पर इसको वहीं पर बना के खाइए उसी के एरिया में, लेकिन हम लोग का दिलवाड़ा मंदिर में वहाँ पर वैसा कुछ नहीं, आप लोग अपना घर ले जाके पूरा फैमिली के साथ खा सकते हैं, अपना रिलेशन को भी दे सकते हैं, अपना हम लोग अपना रिलेशनों को भी पहुँचाते हैं, ताकि प्रसादी के रूप में, प्रसादी है इसको सबको दिया जाता है, प्रसाद के रूप में सबको ही ग्रहण करते हैं। दिलबड़ा मंदिर हम लोग तो बिल्कुल ऑटो में गए थे पूरा फैमिली के साथ, बहुत ही अच्छा है। देखिए भीड़ कैसा दिख रहा है, पीछे साइड दिखाई दे रहा है बिल्कुल ही भीड़। देखिए बाइक से बहुत सारा आदमी लोग आता है, ऑटो से आता है, कार से आता है, दूर दूर से भी आदमी लोग आता है। दिलबड़ा मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, बिल्कुल आप लोग देखने के लिए आइए कभी, वहाँ पर सारा मन्नत पूरा होता है, मन्नत मांगने से सारा मन्नत पूरा होता है। दिलबड़ा मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। देखिए हम लोग का मिठू का मुंडन तो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे है, मिठू का मुंडन देखिए धीरे 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 नाय अपना अस्तूरा चला रहा है,
मिठू को भी अच्छा लग रहा होगा, काहे कि कोई भी बाल उसको अच्छा से छिलता है तो अच्छा से धीरे धीरे चलाने से बहुत ही मस्त लगता है। मिठू हम लोग का चुपचाप है, बिल्कुल ही नहीं रो रही है। देलवेड़ा मंदिर ऐसा जगह में है, क्या बोलें आपको, कि बहुत ही अच्छा जगह में है। स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड का जिसको स्वर्ण बोला जाता है, जहाँ से सोना मिलता है, जहाँ के नदी बालू से सोना निकाला जाता है, वही स्वर्ण रेखा नदी के किनारे देलवेड़ा मंदिर स्थित है, जो बहुत ही फेमस मंदिर है। हम लोग के अगल बगल में जितना है सबसे फेमस मंदिर है, बहुत कोई मन्नत रखता है, हम लोग भी मन्नत रखे थे, इसीलिए मिट्टू को लेके गए थे। देलवड़ा मंदिर में सावन में सोमवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, और आपका चैत मास में सोमवार को और शुक्रवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। देलवड़ा मंदिर पूजा करने के लिए उस समय तो लाइन लगना पड़ता है। हम लोग लॉकडाउन के समय गए थे, इसलिए उतना कुछ भीड़ भाड़ नहीं था। अब छोटी का बिल्कुल ही मुंडन हो गया है, अब आखिरी स्टेज पे उस्तरा चला रहे हैं नाई जी। हेलो दोस्तों, आप लोग अगर यदि हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा, और घंटी को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, ताकि हम लोग का कोई भी वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल ही जाए। चैनल को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तुम लोग नहा के भी जा सकते हैं, और वहाँ पर स्वर्ण रेखा में भी नहा सकते हैं। स्वर्ण रेखा में नहाने से आदमी लोग बोलता है कि बहुत ही अच्छा है, वहीं पर नहा धोवा के तुरंत पूजा किया जाता है, और घर से नहा के जाइएगा तो थोड़ा फिर से पैर हाथ धोने के लिए वहाँ पर बोरिंग वोरिंग चपाकल उपाकल पानी की व्यवस्था अच्छा है, आप लोग जा सकते हैं, घर से भी नहा के जा सकते हैं, बिल्कुल अच्छी जगह है। देलवड़ा मंदिर में राम सीता का भी हमारे लोकल विधायक ने बनाए हुए हैं मंदिर, बिल्कुल देखने के लिए बहुत सारा, दो तीन चार को मंदिर, अच्छा अच्छा मंदिर है। वहाँ पर आप लोग का घूमने के लिए जगह भी एकदम, ये पिकनिक स्पॉट्स भी है, बहुत है, अच्छा है। ठीक है दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता।